विश्ववाणी का सभी दर्शकों को जय यीशु। चालीस का पांचवा दिन में हम प्रवेश हो चुका है। आज का दिन का वचन यही है, प्रेम। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रेम दुनिया का एक मास्मरिक शब्द है। मनुष्य जन्म लेते हैं प्रेम से, मनुष्य जीते हैं प्रेम के लिए, मनुष्य अपना जीवन खो देते हैं प्रेम के लिए। अपने प्रभु यीशु अपने जिंदगी को न्योछावर करके अपने लिए एक जनता को एकत्रित किया है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा नमूना बन गया है। हम इस 40 का उपवास काल में चलने के वक्त हमको ये याद दिलाते हैं, प्रेम ये मास्मरिक शब्द हमारे कान में, हमारे मन में, हमारे आंखों में हमेशा लगे रहना है, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये प्यार से हमको बनाया है, ये प्यार से हमको संभालते हैं, ये प्यार में हमको ले जाते हैं। तो आज के दिन में इस वचन के बारे में हम सोचने के वक्त, मनन चिंतन करने के वक्त हमारे मन में ये याद रखें, क्योंकि प्रेम एक दूसरों के लिए अपना जिंदगी सौंपने के लिए, न्योछावर करने के लिए एक बुलावट है। एक दूसरों के लिए एक रोटी बनने के लिए, एक दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर करके बलिदान दे के दूसरा का जिंदगी में अपने को सौंपने के लिए एक बुलावट है। ये बुलावट स्वीकार करके इस 40 काल का उपवास काल में हम अपने आप को तैयारी करें, ताकि हम ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, ईश्वर का प्रेम बनने के लिए एक दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना बन सके। Oh, 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 oh